नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी टॉपिक नंबर 13 तक आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया गया। प्रश्न संख्या 104 तक पूरा जितना भी कंसेप्ट था प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने सारा कंसेप्ट आपको बतलाया, सभी प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 14 जो शुरुआत करेंगे, इसमें यह मिसलेनियस है, यानी सभी प्रकार जितना भी प्रकार का प्रश्न आपको बताया गया, इसमें सभी प्रकार के प्रश्न का समागम है। और भी एक्स्ट्रा अगर आपके पीडीएफ के अलावे जो एग्जाम में पूछा गया है, हम उस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जो थोड़ा बहुत भी हट करके प्रतीत होगा। हर एक प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 14 का। इसमें सारा बात आपका पढ़ा हुआ है, अब कोई ऐसा बात नहीं है जो आपसे अछूता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। देखो, कहता है घर को जो है 45,000 रुपया में बेचने से, घर को कितना में बेचा जा रहा है, 45,000 रुपया में, 45,000 रुपया में बेचने से विक्रय मूल्य का, यानी सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस है कितना घर का 45,000, 1/9 हिस्सा लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा तो लाभ का राशि निकाल लो मेरे भाई। अच्छा 45,000 में घर को बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है 45,000 में, और लाभ कितना होता है विक्रय मूल्य, यानी 45,000 का 1/9। अच्छा तो 45,000 का 1/9 निकाल लीजिए तो यह कितना हो जाएगा आपका 5,000, नहीं, यानी लाभ का जो राशि है वह कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। घर को 45,000 में बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ हुआ, यानी लाभ का राशि यहां है 5,000 रुपया। तो 45,000 में बेच रहे हैं, 5,000 का लाभ हो गया, तो क्रैमूल देख लीजिए, क्रैमूल तो कम ही होगा, तो पहले कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए, क्रैमूल देख लीजिए, है ना। तो 45,000 में बेच रहे हैं और 5,000 का हमको लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब क्रैमूल कितना हो जाएगा, तो घर का क्रैमूल हो जाएगा 40,000 रुपया, कितना मेरे भाई 40,000 रुपया। अब सोचिए क्या कहता है, कहता है यदि हानि 5% हो तो इस घर का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अगर घर को 5% हानि पर बेचा जाए तब उसके लिए विक्रय मूल्य का राशि क्या होगा, यानी 5% हानि पर विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है ना। लिखेंगे कि 5% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर, अच्छा तो क्रय मूल्य कितना हो गया घर का, तो घर का जो लागत कीमत हो गया वह 40,000 रुपया हो गया, 5% हानि पर बेचना है, यानी कम में बेचना होगा, 5% हानि का फ्रैक्शन लगा लो, यानी लागत कीमत के 95% कीमत में बेचना होगा। चलिए 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, अब गुना कर लो, 2 0 लास्ट में लगा लेंगे, 5 × 20 36 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 38, यानी 5% हानि पर इस घर का जो विक्रय मूल्य होगा, इस घर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 38,000 रुपया, कितना मेरे भाई 38,000 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है सकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार देख लीजिए, 45,000 रुपए में घर को बेचा जा रहा था और विक्रय मूल्य का वही 45,000 का 1/9 लाभ हो जा रहा था, तो 45,000 का 1/9 कितना हुआ 5,000, तो 45,000 में बेच रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया हुआ कम में, लागत कीमत कितना होगा मेरे भाई 40,000 रुपया, नहीं, अब कहता 5% हानि पर विक्रय मूल्य बता दो इस घर का, तो 40,000 लागत कीमत है, 5% हानि पर बेचना है, 5% हानि का फ्रैक्शन 95/100, हानि पर बेचने के लिए कम में बेचना होता है वस्तु को, यानी 5% हानि पर इस घर का जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा मेरे भाई 38,000 रुपया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। हमने शुरू से ही आपको बोला था, कहीं प्रॉफिट पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कहीं भी हम यह नहीं बोलेंगे कि फलना ची रट लो चेला, कहीं रटने पटने की कतई आवश्यकता नहीं है, केवल आप फ्रैक्शन को माइंड में फिट कीजिए और उसके स्थिति के आधार पर उसका इस्तेमाल को समझिए, है ना। अगर आपको मान बढ़ाना होता है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, अगर आपको मान घटाना होता है तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, है ना। फ्रैक्शन का इस्तेमाल हमको समझना है सही ढंग से, जो हम आपको परसेंटेज से ही बतलाते आ रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। कहता है 1 रुपया में जो है 11 संतरे के हिसाब से कुछ संतरा खरीदा जाता है, इतने ही संतरे जो है 1 रुपया में 9 के हिसाब से खरीदा जाता है, यदि 1 रुपया में 10 के भाव से दोनों को मिलाकर बेच दिया जाए तो यदि कहता है 1 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए, 2 प्रकार का संतरा खरीदता है दुकानदार, मान लिया कि हम ही दुकानदार है, एक संतरा का जो भाव है 1 रुपया में 11 के हिसाब से, देखिए तो जितना कम आंकड़ा लेके चलेंगे कैलकुलेशन में उतना हमको सहूलियत होगा, हम एक के गो का क्रय मूल्य एगो का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, वहीं से जो लाभ प्रतिशत का हानि निकलेगा पूरा पर वही होगा,
तो देखो एक रुपया में 11 संतरा के हिसाब से कुछ संतरा खरीदता है तो एक संतरा का कीमत कितना हो जाएगा आपका 1/11। अब देखिए जितना संतरा पहला प्रकार का खरीदा है उतना ही संतरा दूसरा प्रकार का, तो अगर पहला प्रकार का एक संतरा खरीदे हैं तो दूसरा प्रकार का भी एक ही संतरा खरीदेंगे लेकिन उसका दर क्या है 1 रुपया में 9 के हिसाब से। अच्छा तो दूसरा संतरा एक संतरा का कीमत कितना हो जाएगा 1/9। देखिए दो प्रकार का संतरा खरीदता है, एक प्रकार का संतरा 1 रुपया में 11 के हिसाब से तो एक संतरा का कीमत हो जाएगा 1/11। तो जितना संतरा पहला प्रकार का खरीदेंगे उतना ही संतरा दूसरा प्रकार का, तो हम क्या बोले जितना कम आंकड़ा लेके चलेंगे कैलकुलेशन में हमको उतना सहूलियत होगा। तो हम पहला प्रकार का एक संतरा खरीदे 1 रुपया में 11 के हिसाब से एक संतरा का कीमत कितना हो जाएगा 1/11। तो अगर पहला प्रकार का एगो खरीदें तो अगला प्रकार का भी एक ही वो खरीदेंगे, यही प्रश्न कहता है, उतना ही संतरा अगला प्रकार का और उसका भाव है 1 रुपया में 9 के हिसाब से। तो देखिए तो एक और एक टोटल 2 संतरा हो गया मेरे पास। अब इसको बेचते हम कैसे हैं 1 रुपया में 10 के हिसाब से। अच्छा 1 रुपया में 10 को बेचते हैं तो 1 का विक्रय मूल्य कितना 1/10। संतरा मेरे पास कितना है पहला प्रकार का एगो अगला प्रकार का एगो, यानी 2 संतरा है मेरे पास। तो ये 2 गो का क्रय मूल्य और 2 गो का विक्रय मूल्य है ना। हम आपको क्या बोलते हैं कि देखिए दुकानदार को एक वस्तु पर जितना प्रतिशत का लाभ होता है चेला पूरे वस्तु पर 100, अगर एक वस्तु बेचने पर 10% का लाभ होता है तो 100 वस्तु बेचने पर ऐसा नहीं कि लाभ प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं लाभ का प्रतिशत मान वही होगा, प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 20/ कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 99 है ना, और यह हो जाएगा आपका 1/ कितना हो गया 5, यानी 100 अनुपात कितना हो गया आपका 99। यह देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, तो 100 रुपया क्रय मूल्य 99 रुपया विक्रय मूल्य 100 के केस में। ऐसे भी जानते हो आप कि अगर 100 से तुलना करते हैं तो जितना ज्यादा में बेचते हैं उतना प्रतिशत का लाभ होता है, 100 से जितना कम में बेचते हैं उतना प्रतिशत का हानि होता है, यानी प्रॉफिट का परसेंटाइल आपको बताना है। प्रॉफिट कितना का 1 का, कहां से 100 से, ऐसा ही हम दे देते हैं डायरेक्ट 1%, यानी 100 से 1 में कम में बेचा जा रहा है 1% का लाभ हानि हो जाएगा। तो 1 रुपया 100 रुपया क्रय मूल्य 99 रुपया विक्रय मूल्य, यानी 1 रुपया का हानि है, नहीं कहां से 100 से, 1 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, यानी यहां प्रॉफिट लिख दिए लॉस हो जाएगा है ना, लॉस का परसेंटाइल आपको निकलेगा, लॉस हो रहा है 99 रुपया क्रय मूल्य और 100 रुपया क्रय मूल्य 99 रुपया विक्रय मूल्य, यानी 1 रुपया का लॉस है कहां से 100 से, 1 जो है 100 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, तो कट करके आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1% का हानि हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1% का जो है हानि हो जाएगा यह पूरे स्थिति में है ना, 1% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। फिर से देखो 1 रुपया में 11 संतरा के हिसाब से कुछ संतरा खरीदा गया, मान लिया गया एक संतरा, हम ही दुकानदार हैं अपने अपने पर लेकर के जाइए प्रश्न को, तो एक संतरा का क्रय मूल्य 1/11, जितना पहला प्रकार का खरीदे हैं उतना ही अगला प्रकार का खरीदना है, उसका भाव अलग है 1 रुपया में 9 के हिसाब से, तो उसका एगो का कीमत 1/9 हो जाएगा, तो टोटल 2 संतरा का लागत हो गया इतना। अब इसको बेचता है 1 रुपया में 10 के हिसाब से बेचते हैं तो एगो का विक्रय मूल्य 1/10, 2 है मेरे पास संतरा तो दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2/10। तो यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया है ना, 100 अनुपात 99, क्रय मूल्य 100 विक्रय मूल्य 99, यानी लागत कीमत ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम, सेलिंग प्राइस कम है विक्रय कीमत कम, यानी दुकानदार को हानि होगा, हानि कितना का हो रहा है 100 की स्थिति में जितना कम में बेचेंगे उतना ही प्रतिशत का हानि हो जाएगा। निकाल भी सकते हैं आप 1 रुपया का हानि है कहां से 100 से, 1 जो है 100 का कितना प्रतिशत, यानी 1% का हानि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, कहता है यदि 1800 रुपया में खरीदे गए सामान में से 1/3 को 20% के हानि पर बेचा जाए तो कहता है शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर 10% का लाभ होगा। नहीं अब देखिए 1800 रुपया का पूरा सामान था, कितना का सामान था 1800 का, आराम से बात को समझिए, पूरा सामान कितना का था 1800। अब इसमें क्या कहता है यह सुनिए, कहता है इसमें 1/3 हिस्सा जो सामान का है, सामान में से जो ये 1800 रुपया के सामान में से 1/3 को जो दुकानदार है, 1800 का 1/3 कितना हो जाएगा 600 रुपया, 600 रुपया के सामान को बेचता है 20% की हानि पर। अच्छा 600 रुपया के सामान को 20% हानि पर बेचने का मतलब है इसके 80% कीमत में बेचना है ना, यानी इसके 80% कीमत में बेचना, यानी कितना में बेचता है 600 रुपया के सामान को, तो 480 रुपया में बेचता है, कितना में 480 में। अब सोचिए क्या कहता है, कहता है शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे दुकानदार है ना,
ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। अच्छा बताइए शेष सामान कितना का बचा उसके पास, 1200 का बचा। अच्छा पूरा पर 10% का लाभ चाहिए, यानी पूरा विक्रय मूल्य 10% लाभ कमाने के लिए 110/100, यानी देखिए पूरा विक्रय मूल्य जो चाहिए 11/10 से इसमें गुणा कर लीजिए, यानी पूरा जो विक्रय मूल्य चाहिए वह चाहिए 19,000 कितना 800 रुपया, नहीं सॉरी 1980 रुपया, 1900 कितना 80 रुपया, 1800 का सामान है ना। 10% पूरा पर लाभ चाहिए, 10% लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचना होगा, यानी पूरे सामान का विक्रय मूल्य जो प्राप्त होना चाहिए कितना होना चाहिए 1980, है ना। 10% लाभ का फ्रैक्शन लगा लीजिए, 11/10 से गुना कर लीजिए, यानी 1800 रुपया के सामान पर पूरा विक्रय मूल्य कितना प्राप्त करना चाहता था 1980 रुपया, लेकिन अभी 600 रुपया के सामान को बेचा कितना में 480 में। अब हमसे क्या कहता, कहता शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे पर 10% का लाभ हो। अब देखिए शेष सामान को कितना में बेचना होगा ताकि पूरा विक्रय मूल्य 1980 का जो टारगेट रखा है यह उसको मिल जाए। सोचिए 1980 में अभी 480 रुपया इसको प्राप्त हुआ है, यानी शेष सामान को कितना में बेचना होगा 1500 रुपया में बेचना होगा, नहीं तब जाकर के ना 1980 रुपया उसको विक्रय मूल्य प्राप्त हो पाएगा। तो सोचिए दूसरा वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 1200 का वस्तु था ये बेचा गया 1500 में, यानी दूसरा वस्तु को 300 के लाभ पर बेचा गया, कितना का वस्तु था 1200 का, यानी 300 जो है 1200 का कितना प्रतिशत है 300 से 4 बार में, 4 से 25 बार में काट लीजिए, यानी जो शेष सामान बचा उसको 25% के लाभ पर बेचना होगा। कितना मेरे भाई, शेष सामान को 25% के लाभ पर बेचना होगा। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शेष सामान को 25% लाभ पर बेचेगा तब जाकर के उसको जो है पूरे पर 10% का लाभ हो पाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है मैंने 600 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। आज के जमाना में तो संभव नहीं है 600 में 2 घोड़ा, है ना, 600 में बकरी तो मिल भी नहीं करेगा भाई, घोड़ा का बात क्या है। कहता है एक 15% हानि पर बेचा गया, है ना, और दूसरा जो है 19% लाभ पर बेचा गया। मुझे पता चला कि हर घोड़ा समान कीमत पर बेचा गया, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य बताइए जिसको हानि पर बेचा गया। देखो 2 घोड़ा का बात किया है, एक का क्रय मूल्य को हम ए मान लेते हैं जबकि दूसरा का क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं बी, अपने हिसाब से मान लिए। एक घोड़ा का क्रय मूल्य ए रुपया मान ली जबकि दूसरा का क्रय मूल्य बी रुपया मान ली। पहला घोड़ा को 15% हानि पर बेचा गया, अच्छा 15% हानि पर बेचो यानी लागत कीमत के 85% कीमत पर बेचा गया, यही है 15% हानि पर बेचेगा तो। और दूसरा घोड़ा को बेचा गया 19% के लाभ पर, अच्छा 19% लाभ का फ्रैक्शन लगा लो कितना हो जाएगा 119/100। प्रश्न के हिसाब से क्या कहता है, कहता दोनों घोड़ा का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या है बराबर है, इसका विक्रय मूल्य जो हानि पर बेचा गया और इसका विक्रय मूल्य जो लाभ पर बेचा गया दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, यह प्रश्न कहता है हमने बराबर कर लिया। अब देखिए यहां से 100 काट करके हटा लीजिए, 17 से 5 बार में कट गया, 17 से 7 बार में कट गया, यानी दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अगर रेशियो देखा जाए दोनों घोड़ा के बीच का तो 7:5 कितना हो गया मेरे भाई 5, नहीं दोनों घोड़ा के क्रय मूल्य के बीच का रेशियो 7:5 हो गया। अब क्या कहता है, कहता उस घोड़ा का क्रय मूल्य बताओ। देखिए एक का क्रय मूल्य हमने ए माना था, दूसरा का क्रय मूल्य हमने बी माना था, तो जो रेशियो आया वह क्रय मूल्य के बीच का आया था, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर था, प्रश्न के हिसाब से ऐसा बोला गया था, क्रय मूल्य का रेशियो 7:5। कहता उस घोड़ा का क्रय मूल्य बता दो जो हानि पर बेचा गया, अच्छा हानि पर किसको बेचा गया, इसी पर ने हानि का फ्रैक्शन आप लगा रहे हैं, यानी ए का मान आपको बताना है। अच्छा सोचिए यह पहला घोड़ा का क्रय मूल्य आपको बताना है, दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 600, नहीं अच्छा 600 कई यूनिट का मान हो गया आपका, दोनों मिला के कितना 7:5 12, एक का मान बताना है 7 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए 12 से काट लीजिए 50 बार में, 50 × 7 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 350 रुपया, कितना मेरे भाई 350 रुपया। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है सकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपको वही बोला गया था उस घोड़ा का क्रय मूल्य बता दो जिसको हानि पर बेचा गया था, तो हानि वाला फ्रैक्शन ने किस पे लगाया ए पे, जिसका लागत हमने ए माना, तो ए का मान बता देना है। अगर कहता उस घोड़ा का क्रय मूल्य बताओ जिसको लाभ पर बेचा गया, तो लाभ पर तो हमने दूसरा को बेचा जिसका लागत कीमत बी था, तो बी का मान हमको निकालना होता। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, कहता है मैंने 1200 रुपया में 2 भैंसे खरीदी, है ना। आप सोचिए एगो को बेचता है 5% के हानि पर जबकि दूसरा को बेचता 7% के लाभ पर। एलिगेशन भले अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं
लेकिन एलिगेशन मेथड का यूज करने के लिए हमने आपको कई एक जगह बतलाया है, एवरेज से ही आपको बतलाया गया है। हमने बोला था कि मिक्सर का मतलब होता है मिलाना, जबकि एलिगेशन इज अ मेथड। एलिगेशन एक मेथड होता है जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। अब सोचिए, दो भैंस खरीदा 1200 में, अच्छा पहला भैंसिया को 5% के हानि पर बेच रहा है, तो माइनस में हानि वाला को माइनस में लिख दीजिए। अच्छा दूसरा भैंस को 7% के लाभ पर, दूसरा भैंस को कैसे बेच रहा है, 7% के लाभ पर बेच रहा है। अब क्या कहता है, कुल मिलाकर मुझे ना लाभ हुआ ना हानि। अच्छा जब एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो बीच में हमने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू यानी औसत मान का प्रयोग किया जाता है, तो पूरे व्यापार में हमको ना लाभ हुआ ना हानि नहीं, यानी बीच में किसका प्रयोग करेंगे, जीरो, ना लाभ ना हानि यानी जीरो का। देखिए दो भैंस खरीदा था 1200 में, एगो को 5% हानि पर बेच दिया माइनस में 5, दूसरा को 7% लाभ पर प्लस में 7, पूरे व्यापार में हमको ना लाभ हुआ ना हानि, तो बीच में जीरो का प्रयोग, हाँ कहता 2% का लाभ, तो बीच में 2 को लिखते, 2% का हानि, माइनस 2 को लिखते बीच में। बीच में औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है एलिगेशन के मेथड की स्थिति में। अब देखिए इसको क्रॉस करके रेशियो फाइंड करेंगे। हमने आपको सिखलाया कि बड़ा वाला में छोटा वाला तिरछा तिरछी घटाते हैं, तो यह दोनों में बड़ा 7, 7 में 0 गया 7, जबकि यह दोनों में बड़ा कौन है आपका 0, 0 में माइनस 5 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी दोनों भैंस के क्रैमुल के बीच का रेशियो 7:5 हो गया। तो हमसे कहता हर एक भैंस का क्रैमुल बताइए, निकाल लीजिए। अच्छा दोनों भैंस का क्रैमुल कितना था 1200, जबकि दोनों के क्रैमुल के बीच का अगर रेशियो देखा जाए तो 7:5 कितना हो गया 12। अच्छा एक का लागत कीमत 7 यूनिट है, 7 यूनिट का मान निकाल लो, 12 से काटो 1200 को 7 बार में, यानी एक भैंस का क्रैमुल कितना हो गया 700 रुपया। अब देखिए दूसरा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, दो ही तो भैंस है, तो अगर एक का कीमत 700 है तो दूसरा का 1200 में 700 घटा लेंगे 500, अगर निकालने का शौक है तो इसको भी निकाल सकते हैं। 1200 दोनों मिलाकर के लागत है जो 12 यूनिट का मान है, आपसे दूसरा का कीमत पूछा जो 5 यूनिट के रूप में है, 12 से काट लीजिए 100 बार में, 100 × 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 500 रुपया हो जाएगा, कितना मेरे भाई 500। यही है दोनों भैंस का क्रैमुल, एक भैंस का 700 रुपया, जबकि दूसरा भैंस का जो क्रैमुल है वह 500 रुपया हो जाएगा। तो एलिगेशन भले आपको हम अभी नहीं पढ़ाएं, लेकिन एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए आपको एवरेज से ही हम बतला रहे हैं। देखिए प्रोसेस से भी बनाओगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, आपको सेकेंडों में सवाल सोल्व करना है, है ना। तो बिल्कुल आसान तरीका ऐसा नहीं कि एलिगेशन अभी नया नया बता रहे हैं जो आपको तकलीफ होने वाला है। हमने एवरेज के एक टॉपिक में एलिगेशन का पूरा इस्तेमाल करने के लिए सिखला दिया है, जबकि आगे हम पढ़ाएंगे रेशियो के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद आपको पढ़ाएंगे जब मिक्सर एलिगेशन, तो वहां पूरा क्लियर करवा देंगे कि एक्चुअली एलिगेशन होता क्या है, मिक्सर होता क्या है, है ना। कई लोग के मन में यह भी असमंजस होता है कि मिक्सर एलिगेशन दोनों एक ही चीज होता है, जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। हमने बोला ना कि मिक्सर का अर्थ होता है मिलाना, जबकि एलिगेशन एक प्रकार का मेथड है जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया। तो अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता हुआ एलिगेशन है, जहां एक तरफ चीपर वैल्यू, एक तरफ डियर वैल्यू, बीच में मीन वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता, विशेष चर्चा करेंगे मिक्सर एलिगेशन में, अभी इस्तेमाल हम आपको बताए हैं। तो 700-500 वाला ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जहां तक उत्तर देने का सवाल है, हम बोला ना आपको कि देखिए एग्जाम निकालने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर आप इसी से दे सकते थे, रेशियो के माध्यम से आप दे सकते थे। यही 7:5 का रेशियो आया, हम ऑप्शन में ढूंढ लेते कि कौन सा ऑप्शन 7:5 के रेशियो में है, तो यही ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था, 2-0 कट रहा था, 7:5 के रेशियो में आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो यही से उत्तर कर देते हम, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखो कहता है एक दूध व्यापारी जो है वह दूध का 10 केन खरीदता है, दूध व्यापारी दूध का 10 केन खरीदता है, उसके पास दूध है नहीं, खुद खरीदता है। अब क्या कहता है, यदि वह 5 रुपए लीटर के हिसाब से अगर दूधवा को बेचे, है ना, अब उसको 200 रुपया का नुकसान होता है यानी हानि होता है 200 का, जबकि अगर वह वही दूध को 6 रुपए लीटर के हिसाब से बेचे तब उसको 150 रुपया का लाभ हो जाता है। तो हमसे कहता है एक केन में कितना लीटर का दूध आता है, जो वह जो व्यापारी है जो दूध का 10 केन खरीदता है वह केन, एक केन कितना लीटर का, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम कहता वही एक केन में कितना लीटर दूध है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना एक केन में 1 लीटर दूध है, हमने ऐसा माना, बिल्कुल प्रोसेस से आसान है, ऐसा नहीं कुछ भारी है, हमने ऐसा मान लिया कि माना एक केन में जो है कितना लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है। अच्छा सोचो 10 केन खरीदता है तो अगर टोटल दूध का बात किया जाए
कुल दूध का मात्रा का अगर बात किया जाए तो कुल दूध कितना हो गया, एक केन में एक लीटर दूध है, ऐसा ऐसा 10 केन खरीदता है, यानी टोटल बंदा कितना लीटर दूध खरीदा, तो 10x लीटर दूध खरीदा, कितना खरीदा 10x लीटर टोटल दूध खरीदा। अब इसका बेचने का स्थिति को समझो, अब क्या कहता है सुनो, अब कहता है प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो बात को, यह 10x लीटर दूध है इसके पास। अब कहता है अगर इस दुधवा को यह 5 रुपए लीटर के हिसाब से बेच दे, सोचो अगर यह दूध को 5 रुपए लीटर के हिसाब से बेचते, यानी अगर इतना रुपए हम दूध को बेचे तब उसको 200 रुपया का नुकसान हो जाता है, यानी हानि हो जाता है। सोचो इतना में बेच रहा है, हानि हो जा रहा है। अरे हानि तो तब होता है जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है, नहीं उस स्थिति में लागत कीमत ज्यादा होगा। तो लागत कीमत निकाल लीजिए ना, तो लागत कीमत निकालने के लिए 200 जोड़ लेंगे, क्रय मूल्य पे चले जा रहे हैं, है ना। सोचिए इतना रुपया में बेच रहा था, 200 का नुकसान हो जा रहा था, इसका मतलब लागत कीमत ज्यादा होगा, क्रय मूल्य हो गया वास्तविक में टोटल 10x लीटर का दूध का इतना। आप सोचिए अगर यही दूध को 6 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाए, दूध कितना उसके पास 10x, अगर 6 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाए तो यहां पर व्यापारी को 150 रुपया का लाभ होता है। सोचिए अगर इतना रुपया में बेचता है तो 150 का लाभ हो जा रहा है, लाभ तो तब होता है जब लागत कीमत से ज्यादा में बेचा जाता है, इसका मतलब लागत कीमत कम होगा। हम क्या किए, इन दोनों परिस्थिति में जब विक्रय मूल्य को हमने निकाला तो विक्रय मूल्य के माध्यम से हम क्रय मूल्य पे चले गए हैं। पहला स्थिति का विक्रय मूल्य पे सोचे, वहां हानि हो जा रहा था, उसके माध्यम से हम क्रय मूल्य पे चले गए। दूसरा स्थिति के विक्रय मूल्य पर जो हमने गया, वहां लाभ हो जा रहा था, उसके माध्यम से हम क्रय मूल्य पे चले गए। यहां भी क्रय मूल्य है व्यापारी का, यहां भी क्रय मूल्य है, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य निकल के आया, क्रय मूल्य हमने बराबर कर लिया। अब इसको सोल्व करो, देखो तैयार हो जाएगा आपके पास 60x में से 50x चला जाएगा, यानी आपके पास उधर हो जाएगा 10x। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 200 150 कितना हो जाएगा आपके पास 350। एक सुन्ना काट करके हटा लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 लीटर। यानी जो व्यापारी दूध का 10 केन खरीदता है उसमें एक केन का जो इफिशियंसी है, एक केन का जो धारिता है, कितना लीटर का केन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 35 लीटर का। यानी वो व्यापारिया जो दुधवा खरीदता है 10 केन, उसमें एक केन में कितना लीटर दूध आता है, तो 35 लीटर दूध आता है, कितना 35 लीटर। बहुत ही आसान सा सवाल था, हमने एक केन में 1 लीटर दूध मान लिया, 10 केन खरीदता है ऐसा ऐसा, टोटल दूध का मात्रा 10x लीटर हो गया, जब इसको 5 के हिसाब से बेचता है 200 का नुकसान हो जाता है, यानी लागत कीमत ज्यादा होगा, क्रय मूल्य पे चले गए। जब इसको 6 रुपया के हिसाब से बेचा है ना, तब उसको जो है हो गया आपका 150 रुपया का नुकसान, नहीं 150 रुपया का इसको लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब लागत कीमत कम होगा। यहां से लागत कीमत पर, यहां भी लागत कीमत कम होगा, घटा करके लागत कीमत पर चले गए। दोनों स्थिति में लागत कीमत निकाल करके हमने बराबर कर लिया, एक्स का मान जो आ गया वही समझिए एक केन में दूध का मात्रा है, एक केन में कितना लीटर दूध आता है, तो 35 लीटर। अगला प्रश्न पे आइए, कहता मैंने एक वस्तु बेची जिससे 25% का लाभ हुआ। चला एक बात को समझो, हम शुरू से आपको बतलाते आ रहे हैं कि लाभ हानि का जो तुलना होता है ना मेरे भाई, वह क्रय मूल्य से होता है। समझिए बात, लाभ हानि का जो तुलना होता है मेरे भाई, कहां से होता है, क्रय मूल्य से। सोचो मैंने एक वस्तु बेची 25%, मेरा क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। अच्छा सोचिए 25% के लाभ पर वस्तु को बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, 125 में, या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। अब क्या कहता है, कहते इस लाभ को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में बताइए। एक बात सुनिए, जब आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हो तो यह बात आपके मन में स्पष्ट हम कर दिए पहले से कि लाभ हानि का तुलना जो है चेला क्रय मूल्य से करना है, हमेशा डिस्काउंट हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है। तो आप देखते होंगे उसका फार्मूला जो पढ़े होंगे, हम फार्मूला बरमूला तो आपको बताते नहीं है, समझाते हैं। तो आप जब देखते होंगे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि की स्थिति में लाभ बटा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य ऐसे रखते हो ना, या फिर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 बोलते हैं आप उसको, हानि प्रतिशत निकालना होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो तुलना क्रय मूल्य से किया जाता है। लेकिन चेला इस प्रश्न में बोला है इस लाभ को विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में बताइए, तो अगर ऐसा बोला गया तो जहां पर तुलना क्रय मूल्य से करते थे वहां तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, यानी यहां लाभ कितना का 25 का, तो लाभ का तुलना क्रय मूल्य से किया जाता है, लेकिन प्रश्न में बोला गया विक्रय मूल्य से तुलना करो, है ना, यानी विक्रय मूल्य कितना है 125, यानी 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है, 25 से 5 बार में, 5 से 20 बार में,
यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 20%। कितना मेरे भाई 20%, यानी यह जो लाभ है विक्रयमूल्य के प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 20%, है ना। विक्रयमूल्य पर जो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा वह 20% हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। यह आपका क्या था कॉस्ट प्राइस, नहीं जबकि यह आपका क्या था सेलिंग प्राइस, है ना। लाभ कितना का हो रहा था 25 का, है ना, लाभ हो रहा था 25 का, इसी लाभ को विक्रयमूल्य के प्रतिशत के रूप में बता देना था 20%, जबकि क्रयमूल्य पर 25%। अगला प्रश्न आ जाइए, कहता है मैंने एक घड़ी 20% के नुकसान पर बेची। देखिए हम अपना क्रयमूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। अच्छा 20% नुकसान पर बेचने का मतलब कितना में बेचना 80 रुपया में, यानी सेलिंग प्राइस कितना मेरे भाई 80। यहां सोचिए हानि कितना का हो रहा है, हानि 20 का। कहता है इस हानि को विक्रयमूल्य के प्रतिशत के रूप में बताइए, यानी 20 जो है विक्रयमूल्य का कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत है। देखिए 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी यह हानि जो है विक्रयमूल्य का कितना प्रतिशत है, तो 25% मेरे भाई, नहीं यह हानि जो है विक्रयमूल्य का कितना प्रतिशत है 25% है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है से कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे आइए, कहता है एक 135 रुपया अंकित मूल्य, यहां पर आधा ल होगा भाई, मिस्टेक है थोड़ा, अंकित मूल्य वाला कोट 118 रुपया 80 पैसा में बेचा गया, तो छूट का परसेंटाइल बताइए, यानी कितना का डिस्काउंट दिया गया, छूट प्रतिशत बराबर। सोचो मेरे भाई, हम आपको बार बार बोलते हैं ना कि डिस्काउंट चेला अंकित कीमत पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, फेस वैल्यू पर दिया जाता है। 135 का लेवल है, 118 रुपया 80 पैसा में बेचा गया, यानी डिस्काउंट कितना का 16 रुपया 20 पैसा का, नहीं कहा से 135, डिस्काउंट अंकित कीमत पर दिया जाता है, यानी 16 रुपया 20 पैसा जो है 135 का कितना प्रतिशत है। चलिए 2 शून्य काट करके हटा लीजिए, 135 से लगाओ एक बार में लग जाएगा, नहीं बच जाएगा आपके पास 27 270, यानी 2 बार में, यानी जो छूट का प्रतिशत है वह छूट का प्रतिशत कितना मेरे भाई 12% है, यानी खुदरा छूट का दर जो है वह कितना हो जाएगा 12%। पर अंकित है 135 रुपया लेकिन बेचा गया 118 रुपया 80 पैसा में, यानी 16 रुपया 20 पैसा का डिस्काउंट दिया गया दुकानदार के द्वारा, है ना। तो 16 रुपया 20 पैसा जो है 135 का कितना प्रतिशत है, आपका उत्तर हो जाएगा 12%। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, कहता है एक व्यक्ति 80 रुपया में वस्तु खरीदता है। हाँ मेरे भाई, कितना में खरीदता, 80 में, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 80, और इस पर 120 रुपया मूल्य अंकित करता है। देखिए मार्केट प्राइस कितना अंकित किया 120 रुपया, लेकिन जब बेचने का बारी आता है तो 40% का डिस्काउंट दे दिया बंदा। सोचिए 120 रुपया अंकित किया था लेकिन बेचने के समय 40% का डिस्काउंट, यानी 60% कीमत में बेच दिया, यानी कितना में बेचा 72 रुपया में, कितना में मेरे भाई 72 रुपया। सोच लीजिए 80 में खरीदा, 120 का लेवल लगाया, बेचने के समय 40% का डिस्काउंट दे दिया, 60% कीमत में बेचा अंकित कीमत का, यानी 72 बेचा, उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, सोचिए उसको क्या हुआ, क्रयमूल 80 विक्रयमूल 72, यानी उसको हानि हुआ, कितना का हानि हुआ 8 का, कहां से 80 से, यानी 8 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, 8 से 10 यहां से उड़ा दीजिए 10 बार में, यानी उसको जो हानि हुआ वह 10% का हुआ, कितना मेरे भाई 10% का हानि हुआ। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है से कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा सी, 80 रुपया में खरीदा 120 का लेवल लगाया लेकिन जब बेचने का बारी आया 40% का डिस्काउंट दे दिया 72 में बेचा, यानी 8 रुपया का हानि हो रहा, कहां से 80 से, लाभ हानि का तुलना क्रयमूल्य से करते हैं, यानी 8 जो 80 का कितना प्रतिशत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10%, कितना मेरे भाई 10% का हानि हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक, मिसेलियस में चल रहे हैं, बाद बाकी एक्स्ट्रा प्रश्न हम कल बताएंगे। हाँ चले आपको जो हमने बताया है कि अभी हम लोग का जो ऑफर चल रहा है वह मैथ्स का जो बैच है, मैथ्स का जो बैच है चेला वह मात्र 101 रुपया में मेरे भाई। हाँ रीजनिंग का जो बैच है आपका, रीजनिंग का जो बैच है आपका वह मात्र 101 रुपया में, है ना, सब 101। झारखंड जीके का जो बैच है आपका, है ना, वह भी मात्र 101 रुपया में, है ना। और इसके बाद नया जो बैच का भी हमने घोषणा किया वह है बायोलॉजी,
यह भी मात्र 101 रुपया में। इसका सब्सक्रिप्शन तो जो नहीं लिए जल्दी से ले लीजिए, क्लास जल्दी स्टार्ट करवा देंगे, है ना। अभी 3-4 दिन आपके लिए मोहलत दे दिए, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो यह देखिए सब सारा कोर्स है, यानी लगभग 400 रुपये में आपको सब चीज मिल जा रहा है मेरे भाई, है ना। तो आपका काम है बस सभी लोग को हिंट करना, सब लोग को बता दीजिए एक बार ऐसे ऐसे फलना फलना कोर्स अवेलेबल है, अगर आपको बढ़िया लगता है तो। हम लोग के द्वारा जो किया गया कार्य है, हम लोग के द्वारा जो बताया गया कॉन्टेंट से अगर आपको बढ़िया लगता हो, लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है तब बताइएगा, नहीं बढ़िया लगता है तो मत बताइएगा, है ना। चलिए, तो आपका जो काम है आप कीजिए, मेरा जो काम है, मेरा काम है बेहतर कंटेंट्स प्रदान करना, उस काम में हम सदैव तत्पर हैं। आप भी अपने काम में सदैव तत्पर रहिए, जितना बताते हैं सारा चीज को मेंशन कीजिए, सारा नोट करके लिखते चलिए, और जो भी प्रश्न आपको बताया जाता है सारे प्रश्नों का जब भी मौका मिले आप सारे प्रश्नों का रिविजन करते रहो आप। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।